हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपकमिंग जीनियस 2.0 में। तो फ्रेंड, कल से ही SSC GD के एडमिट कार्ड आना शुरू हो गए। हालांकि आज जो है सभी रीजन के एडमिट कार्ड अपडेट कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको सबके रिक्वेस्ट रहेगी, आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए कोई भी चीज़ के तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा फ्रेंड, आपको SSC वेबसाइट में आना होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाकर वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आने के बाद आप सबको सर्वप्रथम करना क्या होगा फ्रेंड, तो आपको एडमिट कार्ड सेक्शन पे क्लिक करना होगा। एडमिट कार्ड सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए, आप मैं लाइव करते दिखा रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। करने के बाद देखिए, आपको इस तरह का इंटरफेस देखें, यहाँ पर एडमिट कार्ड क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिया हुआ है रीजन, कौन रीजन का, जैसे ईस्टर्न रीजन, कर्नाटक रीजन, केरला रीजन, साउथ रीजन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन का दिया हुआ है। तो सिंपली आपको करना क्या है, जिस भी रीजन को आप, ठीक है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल, जो भी रीजन को हम सिंपली आपको हम एक डेमो करके दिखा रहे हैं। जैसे मैं साउथ रीजन से बिलोंग कर रहा हूँ मान के चलिए, तो मैं साउथ रीजन पर सिंपली क्लिक करूँगा। आप जो भी रीजन से, आप उस रीजन, अगर आप ईस्टर्न रीजन से तो ईस्टर्न रीजन पर क्लिक कीजिए, जिस भी रीजन से आप क्लिक कर लीजिए। साउथ रीजन से मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए साउथ रीजन से मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको जस्ट इस तरह का वो इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब सोलिसिटेशन साउथ रीजन चेन्नई। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए फ्रेंड, जो तीसरा नंबर में दिया हुआ, देखिए SSC कॉन्स्टेबल जो दिया हुआ, देखिए यहाँ पे नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, नो द टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है फ्रेंड, इस पर क्लिक कर देना, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह का इंटरफेस देखने के पश्चात क्या करना है फ्रेंड आपको, या आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता है 11 डिजिट का, तो यहाँ डाल दीजिए। उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है और मंथ डालना है और ईयर डालना है, ठीक है। या फिर आपको स्टेटस रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो सिंपली आपको कैंडिडेट नेम अपना नाम देना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ दे देना है और नो योर एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करने के पश्चात आपको जो है आपका एग्ज़ाम डेट सिटी पता चल जाएगा, किस दिन में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। और एग्ज़ाम जिस दिन भी हो, मान के चलो आपका एग्ज़ाम 20 तारीख को होना है तो 20 तारीख होना है तो उसके 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको जस्ट डेट प्लेस और जो है टाइम दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए यही सिंपल प्रोसेस करना है। हालांकि फिर मैं दोबारा से आपको बता दे रहा हूँ, जब आपको क्लियर हो जाए। देखिए सब सिंपली आपको जब SSC के वेबसाइट पर आना, तो एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लियर करने के बाद जिस भी रीजन के हो आपको सिंपली क्लिक कर लेना है, ठीक है। जिस भी रीजन को साउथ का क्लिक किया, साउथ का सर्वर बिजी है तो साउथ को नहीं चेक करके हम लोग, और ईस्टर्न का जो है बिजी है साउथ का चेक करते हैं। साथ में सिंपली आना है आपको और सिंपली यहाँ पे लिखा होगा, देखिए नो योर एप्लीकेशन स्टेटस SSC GD के बारे में, बस सिंपल इस पर क्लिक करके आपको डेट, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, या फिर रजिस्ट्रेशन या कैंडिडेट नेम या डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना सिटी प्लेस जान सकते। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह वीडियो के अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।